वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नव ग्रह रत्नों में दूसरे रत्न मोती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नव ग्रह रत्न मोती के बारे में। दोस्तों पहले ही मैं बता दूं आपको कि मोती रत्न तो नहीं है, ये एक जैविक संरचना से तैयार होता है, लेकिन इसे नौ ग्रहों की जो रत्न हैं उनमें इसे स्थान मिला हुआ है। जैसे माणिक को सूरज ग्रह का रत्न माना गया है, उसी प्रकार मोती को चंद्रमा का रत्न माना गया है। मोती का जो असर है दोस्तों, वो बहुत स्लो होता है लेकिन बहुत अस्थाई होता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से है, उसी प्रकार मोती चंद्रमा का रत्न, इसका संबंध भी सीधा हमारे मन से होता है। जिन लोगों के लिए मोती शुभ फल देने में कामयाब होता है, उनके मन को यह शांत बनाता है, उनको नींद अच्छी आती है, उनके मन से फोबिया या किसी प्रकार का डर या भय उनके जीवन में यदि है तो वो निकल जाता है। और कई बार ये आर्थिक पक्ष को भी धीरे धीरे बहुत अच्छा कर देता है। मैं फिर कहूंगा, ये सब बातें उनके लिए जिन लगन वालों को मोती पहन सकते हैं उनके लिए ये बातें लागू होती हैं। जो लगन वाले मोती धारण कर सकते हैं उनके जीवन में यदि ये परेशानियां हैं तो उन्हें ये सभी शुभ परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे यदि वो मोती को धारण करते हैं तो। आजकल एक बड़ा आम सा प्रचलन है दोस्तों, मोती हर एक शॉप पर, ज्वेलरी शॉप पर मिल जाता है बहुत आसानी से उपलब्ध होने के कारण और ज़्यादा महंगा भी नहीं होने के कारण प्राय हर व्यक्ति मोती धारण कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा सौम्य प्लैनेट है, चंद्रमा शीतल प्लैनेट है, लेकिन चंद्रमा का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है दोस्तों। उसी प्रकार मोती चंद्रमा का रत्न है, तो फिर ये ध्यान से समझने वाली बात है, जिस ग्रह का सीधा संबंध हमारे मन से है और उसके रत्न मोती का संबंध भी हमारे मन से है, तो फिर यदि वो हमारे लगन के अनुकूल नहीं है और हमने मोती को धारण कर लिया सिर्फ इस जानकारी में कि मोती मन को ठीक करता है, मोती मन के लिए ठीक है, चंद्रमा मन का कारक है, तो दोस्तों इतना जान जाएं कि मोती
शक्ति बहुत धीरे धीरे कार्य करने वाला रत्न है। इस तरह का ये रत्न है कि अपना ये कार्य बहुत स्लो करता है, इसलिए धारक को ये पता नहीं चलता कि उससे जो नुकसान हुआ उसके जीवन में वो मोती धारण करने के कारण हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी बहुत ज़्यादा आप सभी जो दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई और मेरी सभी बहनें, मैं उन लग्नों के बारे में बात करता हूँ, बताऊँगा आपको अभी कि किस लग्न वालों को मोती निश्चिंत होकर धारण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ दोस्तों, सर्वप्रथम मैं इसे ही बता देता हूँ। यदि आपका लग्न कर्क है, यदि आपका लग्न वृश्चिक है, यदि आपका लग्न मीन है, जी हाँ दोस्तों, ये तीन लग्न वाले निश्चिंत होकर उनका चंद्रमा कहीं भी बैठा है कुंडली में, कुछ देखने की बात नहीं, निश्चिंत होकर आप मोती को धारण कीजिए। आपको कोई नुकसान जिंदगी में मोती से नहीं होने वाला। बाकी रह गए 9 लग्न। 9 लग्न वालों को मैं कहूंगा, टोटल 12 लग्न होते हैं दोस्तों, 3 लग्न निश्चिंत होकर मोती को जीवन में धारण करें, उन्हें अवश्य लाभ मिलना ही मिलना है। बाकी के 9 लग्न वाले बगैर अपनी जन्म कुंडली को दिखाए मोती को हरगिज धारण ना करें। यदि वो मोती को बगैर अपनी कुंडली की विवेचना किए बगैर धारण करते हैं तो निश्चित जाने मोती भी धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह बर्बाद करने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, मोती भी आपको धीरे धीरे पूरी तरह से बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। मात्र 3 लग्नों को छोड़कर 3 लग्न वालों को जिनका मैंने अभी जिक्र किया, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, ये 3 लग्न वाले निश्चित होकर बगैर कुंडली का विवेचन कराए आजीवन मोती को धारण करें, उन्हें मोती से लाभ ही लाभ मिलना है। और वो लाभ कौन से हैं, जैसा कि मैंने चर्चा अभी की कि मोती को धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, मन शीतल, मन शांत, बहुत अच्छी नींद, मन मजबूत, मन संकल्पवान, आर्थिक लाभ। जैसे ये लाभ जो हैं ये उनको मिलेंगे जिनकी मैंने ये 3 लग्न के जो हैं कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए। बाकी लग्न वाले अपनी कुंडली का विवेचन करवाए बगैर मोती को हरगिज अपने जीवन में स्थान ना दें, ये मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि मोती असर बहुत धीरे धीरे करता है। जिस चीजों पर उसकी शुभता है उसी पर आपके लिए वो अशुभ हो जाएगा। अब अशुभ होगा तो क्या करेगा दोस्तों, जैसे वहां मन को शीतल करता है तो आपके लिए ये ब्लड प्रेशर का कारक बन जाएगा, आपके मन को अशांत कर देगा, आप अवसाद के मरीज हो जाएंगे, आप डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे, पता नहीं लगेगा आपको। आर्थिक पक्ष को उन 3 लग्नों वालों को सुदृढ़ करेगा, आपको आर्थिक रूप से धीरे धीरे हानि पहुंचाएगा।
तो जो उन्हें लाभ देने का कार्य कर रहा है 3 लगन वालों को, बाकी 9 लगन वालों के लिए मैं कहूंगा बगैर कुंडली के विवेचन कराए कुंडली को किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाए आपने मोती के नजदीक नहीं जाना है। सिर्फ मन में ये आ गया कि चंद्रमा मन का ग्रह है, मन को मजबूत करेगा, डिप्रेशन को दूर करेगा, नींद अच्छी आएगी, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल नहीं जाना। दोस्तों यकीन माने मोती चंद्रमा का जो ये रतन काम धीरे करता है लेकिन काम पक्का करता है, ये बहुत स्लो और काम अस्थाई कर जाता है। आप डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे उल्टा। इसलिए सिर्फ 3 लगन वाले ही निश्चिंत होकर मोती को धारण करें और बाकी लगन वालों से मैं ये कहूंगा कि वो कुंडली को दिखाकर ही मोती को धारण करें, उसके पहले मोती धारण करने का विचार अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। बात करूं दोस्तों कि मोती कितने वजन का धारण करना चाहिए, तो 5 से 7 कैरेट के वजन का आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती को चांदी की अंगूठी में बनवाकर हाथ की कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करना चाहिए, और धारण करने से पहले इसे बनवाने के पश्चात चांदी की अंगूठी में बनवाने के पश्चात चंद्र यंत्र के ऊपर रखकर वैदिक चंद्र के मंत्रों से 11,000 बार जाप करके चंद्र मंत्र का, फिर इसे हम शुक्ल पक्ष के सोमवार को चंद्र की होड़ा में धारण करें तो बहुत शुभ परिणाम इसके मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अगले वीडियो में चर्चा होगी नवरत्नों की श्रेणी में अगले रत्न मूंगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल के रत्न मूंगा, उस पर चर्चा होगी। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।